दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि 6 नंबर जो मैट फिनिशिंग होता है यानी चैम्पियन मैट कलर जो होता है वो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, और कैसे इसका बफिंग करूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और देखिए, इसको मैं मैट फिनिशिंग मार रहा हूँ, मैट फिनिशिंग बफिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, मैट फिनिशिंग बफिंग करने के बाद दोस्तों, इसको मैं कैसे इसमें वायर बांधूंगा ये सब मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस सेक्शन को मैंने चारों साइड से इसे मैं मैट फिनिशिंग मार रहा हूं दोस्तों, और पाउडर काटने का भी काम कर रहा हूं दोस्तों। पाउडर इसलिए काटा जाता है दोस्तों कि पाउडर काटने से वो जो मटेरियल पर जो मार्क होता है वो सब मिट जाता है, हट जाता है दोस्तों। और दोस्तों देखिए कि मैं किस तरह से एक पूरे सेक्शन को कम्प्लीटली मार रहा हूँ, और पूरा कम्प्लीटली मारने के बाद दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया हूँ थोड़ा, कि ज़्यादा बोर फील ना हो वीडियो में। देखिए दोस्तों, पूरा एकदम अच्छी तरीका से मटेरियल को मारेंगे, और दोस्तों जहाँ बेंड रहता है वहाँ पर थोड़ा और अच्छा ध्यान से मारना पड़े ताकि वहाँ छूट ना जाए। देखिए यहाँ पर अगर बेंड है मटेरियल में तो मैं किस हिसाब से मार रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों। तो इसी हिसाब से दोस्तों सारे सेक्शन को मारेंगे, और इसके बाद मैं दोस्तों मैं ले चलता हूँ मटेरियल बांधने की प्रक्रिया पे। तो दोस्तों, ये बफिंग का प्रक्रिया तो आपने समझ गया, और मैं मटेरियल में जो वायर बांधते हैं वो प्रक्रिया पे आ गए हैं दोस्तों। देखिए कि मैं दोनों साइड से इस सेक्शन में जो SPDP है मैट फिनिशिंग मारा गया, इसमें दोनों साइड से मैं वायर बांधूंगा, और दोनों साइड से वायर बांधने के बाद दोस्तों मैं इसका कॉस्टिक का प्रक्रिया करूंगा। तो दोस्तों, मुझे अभी एक बार में मैं कितना सेक्शन लगाऊंगा एनोडाइजिंग में, तो दोस्तों मुझे 12 सेक्शन लगाने का है, जो SPDP अढ़ाई बाई डेढ़ का जो होता है SPDP वो दोस्तों मुझे 12 पीस लगाने का है। वैसे तो मैं 16 पीस लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, जो उसका कैपेसिटी होना चाहिए उस हिसाब से हम लगाएंगे ताकि उसको वोल्टेज पूरा अच्छी तरह से मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैंने बस अब दो सेक्शन और बांधेंगे, और इसको मैं दोस्तों कॉस्टिक में डालेंगे, और कॉस्टिक में डालने के बाद दोस्तों इसको अगला प्रोसेसिंग करेंगे एनोडाइजिंग के दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको दोनों साइड से मैं दोस्तों पूरा सेक्शन को बांध दूंगा, और तब जाके दोस्तों मैं इसको बांधने के बाद दोस्तों इसको मैं कास्टिक में डालूंगा, और कास्टिक में डालने के बाद दोस्तों इसको फिर मैं पानी में डालूंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बांध दिया मैंने, पूरा सेक्शन को बांध दिया हूँ, और दोस्तों बांधने के बाद दोस्तों मैं इसको फिर से कास्टिक में डालूंगा। देख सकते हैं दोस्तों किस हिसाब से बांधे हैं वायर, अगर न्यू वायर है तो सिंगल सिंगल बांधेंगे, अगर नहीं डबल वायर या दो बार तीन बार वायर को प्रयोग किए हुए हैं तो उसको दोस्तों मैं डबल डबल वायर से बांधेंगे दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखने के है दोस्तों, और दोस्तों ध्यान में रखने के बाद ही दोस्तों आगे का काम करने का है। तो देखिए, मैं इसमें वायर बांध दिया हूँ और कॉस्टिक में माल डाल दिया हूँ। देखिए, कॉस्टिक मेरा ठंडा है इसीलिए इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, तो लगभग इसमें हमको 1.5 घंटा लग सकता है कॉस्टिक गर्म होने में। तो देख रहे हैं, कॉस्टिक में मैं मटेरियल डाल दिया हूँ, और कॉस्टिक से वाल आना चालू हो गया है दोस्तों। अगर कॉस्टिक गर्म रहता तो इससे ज़्यादा वाल आता, और जो इसका गैस बनता वो गैस आँख में लगने के बाद दोस्तों आँसू आता रहता है। तो देखिए, कॉस्टिक वाल थोड़ा थोड़ा होने लगा है, और कॉस्टिक में डालने के बाद दोस्तों लगभग इसमें दोस्तों हम कॉस्टिक मेरा अगर ठंडा है तो दोस्तों मैं इसमें डालूंगा 1.5 घंटा तक गर्म हो जाएगा कॉस्टिक। तो दोस्तों इसमें 40 या 50 मिनट मैक्सिमम बहुत हो गया। तो कॉस्टिक में डालने के बाद दोस्तों इसको मैं जल गया, और दोस्तों मैं इसको निकाल रहा हूँ, और निकालने के बाद दोस्तों इसको मैं एक बार में 4 सेक्शन निकाले हैं या 6 है दोस्तों, और इसमें पानी में धोएंगे दोस्तों, उसको पानी में साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। देखिए, पानी में क्लीन करने के बाद दोस्तों थोड़ा ओजन हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है ना दोनों साइड से, और इस पे दोस्तों चलने का जो प्रक्रिया है उस पे ध्यान बहुत रखना पड़ता है दोस्तों। हो सके चप्पल स्लिप करने पे गिर भी सकता हूँ, इसीलिए दोस्तों उस पे ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए,
पहले वो उस साइड से उठाएगा और फिर इस साइड से उठाएगा। तो दोस्तों देखिए, आप इसको हम मैट्रिक करने के बाद इसको दोस्तों हम पानी में डाले हैं, तो पानी में इसको डाल दिए और दोस्तों फिर वही प्रक्रिया करेंगे जो इसमें मैं 12 पीस डाले हुए हैं, फिर 6 सेक्शन को वैसा ही करेंगे दोस्तों। धोएंगे उसको पानी में, पानी में धोने के बाद नेटफ्रिक में डालेंगे, नेटफ्रिक में डालने के बाद दोस्तों मैं इसको फिर से पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद दोस्तों इसका मेन प्रक्रिया है एनोडाइजिंग। ये जो बड़े वाले टैंक देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, इसमें दोस्तों मुझे एनोडाइजिंग करने का है। इसी में दोस्तों सिल्वर गोल्डन या सिल्वर मैट इसी में बनता है दोस्तों, उसको कलर नहीं किया जाता है दोस्तों, इसमें सिर्फ एनोडाइजिंग चढ़ाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखने का है दोस्तों, इस पर प्योर एनोडाइजिंग चढ़ाया जाता है, केवल एनोडाइजिंग चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें पानी का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और इसको ठंडा टेम्परेचर करने के लिए दोस्तों कूलिंग टावर है, उसके माध्यम से इसे ठंडा किया जाएगा। और दोस्तों इसमें वोल्टेज भी डाला जाएगा, इसी में एनोडाइजिंग पकड़ेगा दोस्तों। तो मैंने दोस्तों इसको 3 पार्ट में लगाऊंगा, यानी 12 सेक्शन है तो 4-4 सेक्शन का पहले प्रयोग करूंगा, 3 बार 4-4 सेक्शन का प्रयोग करूंगा। और दोस्तों इसमें देख रहे हैं किस हिसाब से मटेरियल को एकदम सेटिंग से लगा दिए हैं कि दोस्तों एक दूसरे में कोई सटे नहीं, ताकि एनोडाइजिंग उसको भरपूर मिल ना सके। दोस्तों आप तो सोचते होंगे कि इसमें तो एक दूसरे में सट भी जाएगा तो एनोडाइजिंग तो फुल आएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, एक दूसरे में चिपकने के बाद दोस्तों वो एनोडाइजिंग फुल नहीं पकड़ पाता है। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें काम करने का है। तो देखिए, मैंने एक पार्ट लगा दिया 4 सेक्शन, और फिर एक पार्ट लगाऊंगा 4 सेक्शन, और फिर 3 पार्ट लगाने के मुझे। तो देखिए, एक बार मुझे 12 पीस निकालने का है, तो मैं देखिए 12 पीस निकालने में कितना टाइम लग रहा है वो भी मैं बताऊँगा अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने ये डाल दिया इसमें, और इसको ये पाटा के माध्यम से इसको, ये भी दोस्तों अल्मोनियम का है, और इसमें जो दोनों साइड से जो लगा हुआ है वो जो शीशा ग्लास बोलते हैं वही है, शीशा है दोस्तों, जो रांगा बोलते हैं, जो मलाह लोग जाल में लगाते हैं वो चीज़ का प्रयोग किया गया है, जो जाल में लगाते हैं ना वो चीज़ का प्रयोग किया गया है इसमें दोस्तों, वही चीज़ है, इसको शीशा बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, उसी चीज़ का है, और उसको लगाया गया है, और लगाने के बाद दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि तीसरा लॉट मैं लगा दिया हूँ, तीसरा जो इसका प्रक्रिया है, और एक दूसरे में सटने ना सटे इसके लिए दोस्तों मैं लकड़ा का प्रयोग करूँगा। देख रहे हैं तीनों सेक्शन के बीच में कैसे गैप डाला हुआ है दोस्तों, और लकड़ा डाल दिया। और दोस्तों ये लकड़ा डालने के बाद इसका मैं काम आगे का चालू करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा अगर मैं उधर का काम चालू कर दूंगा तो इधर पौष्टिक मेरा खाली पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं नेट्रिक में इसको डाल देता हूं। और नेट्रिक में डालने के बाद दोस्तों फिर इसको पौष्टिक में डाल देता हूं जलने के लिए, ताकि टाइम मेरा इन्वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, देखिए मैं इधर भी खाली नहीं छोड़ा, उधर भी खाली नहीं छोड़ा, कर सकता था उतना कि मैं उधर का काम चालू कर सकता था, लेकिन बट नहीं, मैं पहले इसमें डाल दूंगा माल, तब उधर का काम चालू करूंगा, क्योंकि मेरा पौष्टिक बहुत ठंडा है, ठंडा है, इसीलिए मुझे पहले पौष्टिक को गर्म ही करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको आगे का काम चालू करूँगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने फिर नेट्रिक में डाला, और नेट्रिक में डालने के बाद जाके दोस्तों फिर इसको मैं पौष्टिक में डाल दूँगा जलने के लिए। जो मटेरियल अगर ख़राब होगा दोस्तों, जिंदाल का नहीं होगा, तो आपको पौष्टिक में खुद पता चल जाएगा कि उसमें काला पड़ जाता है मटेरियल। और देखिए, मैंने इसको डाल दिया पौष्टिक में, अब जाके दोस्तों मेन प्रक्रिया पे आऊँगा, एनोडाइजिंग का प्लांट का जो मेन वोल्टेज डालने का काम होगा वो मैं करूँगा। देखिए दोस्तों, मैं डीमन से वोल्टेज डाल रहा हूँ, इसमें एनोडाइजिंग का काम चालू कर दिया हूँ,
और बस डाइजिंग का काम चालू हो गया। देखिए ऑन कर दिए स्विच, और इसका मैं टाइमिंग दिखा रहा हूँ कि कितना देर का टाइमिंग डाला हुआ है दोस्तों। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो में। तो देख रहे हैं मशीन में 40 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया गया है, और इसका 14 वोल्ट दे दिया गया है दोस्तों डीमर से, उस मशीन से ऑन ऑफ से दोस्तों देख रहे हैं, इससे 14 वोल्ट दे दिया गया है दोस्तों। और मटेरियल में दोस्तों एनोडाइजिंग चढ़ना चालू हो गया है, देख रहे हैं मटेरियल में एनोडाइजिंग चढ़ना चालू हो गया है। और बस इसमें 40 मिनट होने के बाद दोस्तों मैं इसको कलर में ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों 40 मिनट हो जाएगा तो फिर इसको मैं निकालूंगा। देखिए दोस्तों 40 मिनट हो गया, और 40 मिनट के बाद दोस्तों मैं इसको मशीन को बंद किया उधर, और इधर मैं 40 मिनट होने के बाद दोस्तों इसमें सब माल निकाला, पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद दोस्तों इसको मैं कलर करूंगा, कितना कितना पीस कलर करूंगा ताकि मुझे परफेक्ट कलर पकड़ में आ जाए, कलर के जो टांकी है उसमें वोल्टेज उसको मिल पाए कलर करने के लिए दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों मैंने इसको 3 लॉट किया हूँ, 4-4 पीस का मैं कलर करूँगा, और 6 पीस भी कर सकता था लेकिन उसमें कलर परफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, लाइट डार्क हो सकता है, ये बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने 4 पीस कलर के टांके में लगा दिया हूँ। अब दोस्तों मैं इसका कलर का मशीन ऑन करूँगा, और इसमें दोस्तों टाइमिंग सेट किया हुआ है कि कितने देर में इसमें कलर पकड़ना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें कलर पकड़ना चालू हो गया है, और महज दोस्तों इसमें कितना सेकंड लगेगा वो आप देख सकते हैं दोस्तों, कि कितना सेकंड में दोस्तों कलर होके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 600 सेकंड लगेगा, और 600 सेकंड पे दोस्तों ये कलर होके रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें मशीन का सेकंड चालू है, 500 सेकंड हो चुका है, और 600 होगा तो मैं इसको बंद करूंगा दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, और उसको बंद करने के बाद दोस्तों देखिए बंद कर दिया दोस्तों, और इसमें कलर मटेरियल में पकड़ चुका है दोस्तों देखिए, और कलर पकड़ने के बाद दोस्तों महज दोस्तों सारा कलर जो होगा ना मैं इसी में गोल्डन गोल्डन ब्राउन जो भी करने का रहेगा वो सब मैं इसी में करूंगा। तो देखिए इसको मैं पानी में फिर कलर करने के बाद धो दूंगा, और पानी में साफ करने के बाद दोस्तों या धोने के बाद दोस्तों इसको फिर से मैं साफ पानी में धोऊंगा, ताकि इसमें जो पाउडर लगा रहता है वो पूरा क्लीन हो जाए, और इसको सैंपल से हम चेक करेंगे कि मेरा मटेरियल परफेक्ट निकला है या लाइट है या डार्क है। अगर कोई लाइट या डार्क रहेगा तो उसको फिर से हिला डुला करके कलर और कर लेंगे दोस्तों। देखिए सैंपल मिला रहे हैं दोस्तों, पानी में ही चेक किया जाता है ताकि परफेक्ट समझ में आ जाता है दोस्तों। तो देखिए, और इसको मैंने पानी में सा अब निकालने का काम कर रहा हूँ, ये कलर हो गया है, और देखिए इसको निकाल के और किसी देखिए किसी घोड़े पे रखेंगे दोस्तों, ये इसको मैं घोड़ा बोलता हूँ, इस पे रखता हूँ दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों सारा कलर करूँगा, और देखिए इसमें सा परफेक्ट कलर हो गया है दोस्तों, और देख रहे हैं दोस्तों एकदम परफेक्ट कलर हो गया है, चैम्पियन गोल्डन मैट है दोस्तों, चैम्पियन मैट है दोस्तों, गोल्डन नहीं बोला जाना चाहिए दोस्तों, देखिए मैट कलर है। तो हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों मैं सारा काम करूँगा, और इसमें सब पानी जब निकल जाएगा दोस्तों तो इसको सुखा के वायर खोल लेने का है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि अगला वीडियो मैं बना के फिर से आप लोग के लिए लाऊँ।